السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة متفق عليه رب شهلي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني افقه قولي رب زدني علما मज्ज़ महतरम सामिन कराम दीनी और इस्लामी भाइयों आज के दर्स के लिए सही बखारी और सही मुस्लिम की हदीस पढ़ी गई है जिसके रावी अबू मूसा शारी रज़ी तला हैं उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह महम्मदर रसूल ने फरमाया मंसलबरदे दखलना जिसने दो ठंडे वक्त के नमाजों की मुहाफ़ज़त की बराबर पाबंदी की वो जन्नत में दाखिल होगा इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम ने ख़ास तौर से नमाज असर और नमाज फ़जर की फ़जीलत को बयान किया है कि ये दोनों जो नमाजें हैं ये ठंडे वक्त में अदा की जाती हैं नमाज असर सूरज के गुरूब होने से पहले अदा की जाती है और नमाज फ़जर सूरज के तुलू होने से पहले अदा की जाती है तो इस हदीस का यह माना बिल्कुल नहीं है कि आदमी सिर्फ दो नमाज़ें पढ़ ले कामयाब हो जाएगा कि आदमी सिर्फ़ असर और फ़जर की नमाज़ पढ़ता रहे और नमाजों से लापरवाह हो जाए ऐसी बात नहीं माना यह है कि पांच वक्त की जो नमाज़ें हैं फ़जर जहर असर मगरब ऐशा ये पांच वक्त की नमाज़ें हैं इन नमाज़ों में ये नमाज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं इसीलिए अल्लाह रब्बुल रब्लमी ने कुरान मजीद में दोनों की कसम खाई है वलफजर वल असर कसम है वक्त फ़जर की और है कसम है असर की तो इन दोनों से मुतिक अल्लाह रबि ने कसम खाई है। इसकी एक वजह यह भी है इन दोनों की नमाजों की फजीलत की मोहम्मद रसोल वसम ने फरमाया हमारे अमाल को अल्लाह की बारगाह में जो फरिश्ते पेश करते हैं हमारे अमाल को लेकर के अल्लाह की बारगाह में जो फरिश्ते हाज़िर होते हैं उन दोनों की हाजिरी जो होती है इन दो नमाजों के टाइम वो जमा हो जाते हैं असर और फजर की नमाज के वक्त तो फरिश्ते जमा होते हैं असर की नमाज के वक्त रात को फरिश्ता आ जाता है फजर तक रहता है और फजर की नमाज के वक्त दिन का फरिश्ता आता है असर तक रहता है और ये फरिश्ते अल्लाह के पास जब जाते हैं तो अल्लाह ताला तो इन फरिश्तों से पूछता है मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा फरिश्ता गवाही देता है बंदे मोमिन के हक में कि रबालमीन जब असर की नमाज के वक्त गया था तो भी तेरा बंदा तेरी इबादत कर रहा था और जब थजर के वक्त वापस आया हूं तो भी तेरा बंदा तेरी इबादत में लगा हुआ था इसलिए इन दो नमाजों की बड़ी अहमियत है तमाम नमाजों के साथ इन नमाजों की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं नमाज पढ़ते हैं किसी की असर की नमाज जय हो जाती है और किसी की फद्र की नमाज जाय हो जाती है पांच वक्त की नमाज मुकम्मल नहीं हो पाती असर की नमाज का जहां तक मसला है तो इसका ताल्लुक दुनिया से है दौलत से है माल की मोहब्बत से है क्योंकि आदमी बाजार में जो जाता है इसी वक्त जाता है सामान खरीदने के लिए या अगर कोई दुकान चलाने वाला है तो ग्राहक बहुत ज्यादा आ जाते हैं कस्टमर बहुत ज्यादा आ जाते हैं आदमी सोचता है नमाज बाद में पढ़ेंगे लेकिन अल्लाह ने फरमाया पहले नमाज पढ़ो उसके बाद रोजी की फिक्र करो और जो फर की नमाज का मसला है उसका ताल्लुक नफ्स से है जिस इंसान का नफ्स उस पर गालिब होता है वो फजर में हाजिर नहीं हो पाता है. लेकिन जिसको अपने नफ्स पर कंट्रोल होता है जिसको अल्लाह से मोहब्बत होती है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो अपनी नींद को कुर्बान कर देता है नरम गरम बिस्तर को कुर्बान कर देता है तो फजर की नमाज आम तौर तो से सोने में चली जाती है नींद के गलबे में आदमी नमाज को कुर्बान कर देता है और नमाज के लिए बेदार नहीं हो पाता या नमाज़ के लिए बेदार तो होता है लेकिन बिस्तर नहीं छोड़ पाता उसकी नमाज जमात छूट जाती है फ़द्र की नमाज़ बेवक्त हो जाती है और एक दुनिया कमाने में दुनिया की मोहब्बत में जो है नमाज आदमी की मौखर हो जाती है तो इन दो नमाज़ों की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ जहाँ भी नमाज़ पढ़ने वालों को कामयाब करार दिया वहाँ इकामत सलात का लब इस्तेमाल किया जो लोग नमाज़ों को कायम करते हैं यानी कि चार वक्त की नमाज़ पढ़ लिया तीन वक्त की पढ़ लिया एक वक्त की नहीं पढ़ा दो वक्त की नहीं पढ़ा तो पांचों नमाजों की मुहाफजत ज़रूरी है और उन पांचों नमाजों में ये दो नमाजें ज़्यादा अहमियत रखती हैं इसलिए हमें और आपको चाहिए कि ख़ास तौर से इन नमाज़ों की हिफाजत करें ये नमाज़ें बड़ी अहमियत की हामिल है तमाम नमाजों के बारे में अल्लाह ताला सवाल करेगा लेकिन ख़ास तौर से इंसान का नफ्स अगर गालिब है तो वो चार वक्त की नमाज़ पढ़ता फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ता इंसान के दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत ज़्यादा है तो कारोबार में दुनिया कमाने में असर की नमाज़ को ज़ाये कर देता है अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें इन दोनों नमाज़ों से मोहब्बत करने और तमाम नमाज़ों की पाबंदी करने की तोफ़ी फरमा और ईमान के साथ मौत नसीब फरमा अमीन वल्लनबीकर वाली रहमतुल्लाह